देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज 6 डेज 12 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। पी स्टार्ट्स वर्किंग अलोन फर्स्ट फोर्थ एंड सेवन्थ, क्यू वर्क्स अलोन सेकेंड फिफ्थ एंड एट्थ एंड आर वर्क्स अलोन थर्ड सिक्स्थ नाइन्थ। दिस पैटर्न इज कंटिन्यू टिल द वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मच टाइम इज द इंटायर वर्क डन। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि पी जो है वो एक दिन अकेले 6 दिनों में काम कर सकता है, क्यू जो उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, और आर जो है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर पी से शुरुआत होती है काम करने की। सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम यानी कि एलसीएम, तो 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा आपका 10 एफिशिएंसी, और ये हो जाएगा आपका 5 एफिशिएंसी, और ये हो जाएगा 4 का एफिशिएंसी। ठीक है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 3 दिनों में 10, 5, 15, 19 जो है वो काम हो जाता है। तो 3 दिनों में 19 काम हो रहा है, फिर अगले 3 दिनों में 19 काम हो रहा है, और फिर अगले 3 दिनों में 19 काम हो रहा है। ठीक है, तो ये टोटल 57 काम तो हो गया, अब बचा 3 काम, और ये जो 3 काम होगा वो किसके द्वारा होगा। तो पी से शुरू हो रहा था तो पी के द्वारा होगा, पी की एफिशिएंसी 10 है, यानी कि पूरा समय जो लगेगा वो 3/10 समय लगा 3 यूनिट काम को करने। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका हो गया 3 3 3, यानी कि 9 दिन 9:3/10 जो है वो डेज टोटल समय लगा, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। धन्यवाद।